ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, दोबारा रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इसमें कोई डाउट? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? बी लाउड एंड क्लियर। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, कोई डाउट? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हम बनाते थे इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजिशन के लिए बनाते थे पोजिशन स्टेटमेंट विच इज द बैलेंस शीट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, हम सारे यूजर्स भी स्टडी कर चुके हैं। एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ देयर विल बी अ वेरी 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 थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस। तो ये सारे फ्री के मार्क्स होते हैं, एक बार एक चीज अच्छे से समझ आ जाए तो बहुत छोटी सी वेरिएशन होगी। तो जस्ट जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस, एंड जो पॉइंट्स नए हैं न्यू वो याद करना, ठीक है ना? बाकी तो जो सिमिलर है वो तो सिमिलर है ही। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? नंबर वन, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट? नहीं, हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में, रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स, ऑलरेडी कवर्ड। तो व्हाई डू वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फॉर डिटर्मिनिंग द प्रॉफिट और लॉस एंड डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन, तो वह सारा कवर्ड है। इनकम स्टेटमेंट में बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनीज के इसमें बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें बता चुका हूँ तो हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं, नथिंग न्यू। अब है ना नया, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। कह रहे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कह रहे मैंडेटरी एज पर लॉ। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, लीगली यू आर बाउंड टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको बनानी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप जब ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो यू हैव टू सबमिट ऑल द डिटेल्स, यू हैव टू प्रोवाइड योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वेयर इट इज स्पेसिफाइड, वेदर क्वेश्चन आता है वेदर यू हैव मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स और नॉट। सर बट इफ इट इज मैंडेटरी व्हाई आर दे इवन आस्किंग अस, इफ समथिंग इज मैंडेटरी इट इज इम्प्लाइड कि वो तो बनाए ही होंगे। नहीं, कोई बहुत ही छोटा बिजनेस है जिसका टर्नओवर पूरे साल का 3-4 लाख से कम है तो उनके लिए मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन सोचो ना पूरे साल का 3-4 लाख से कम बिजनेस में रिसीट्स, बहुत ही छोटा बिजनेस होगा, रिसीट्स इनकम नहीं सिर्फ रिसीट्स, तो 4 लाख के रिसीट्स बिजनेस की पूरे साल में नॉर्मली हो ही जाती है। उसने कहा नहीं हुई फिर आपके लिए जरूरी नहीं है अकाउंट्स बनाना। तो बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, सबके लिए ही है। ऐसा कौन से बिजनेस होते होंगे कि वो महीने के 30-40 हज़ार के कलेक्शंस भी नहीं कर रहे? कलेक्शंस रिसीट्स, रिसीट्स इनकम नहीं होती, रिसीट्स माइनस एक्सपेंसेस विल गिव यू द प्रॉफिट। पॉइंट फंक्शंस में आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन्ड सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आपका कोई केस चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे 10,000 लेने हैं कि देखो मेरे अकाउंट्स में आ रहा है, आप कह रहे हो मेरे अकाउंट्स में नहीं आ रहा। अब मैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना रहा था, प्रॉपर स्टेटमेंट है, वेरीफाइड है, सब कुछ है, तो फिर इट कैन एक्ट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लीगली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट होगा। बट अगर आप अकाउंट्स नहीं बना रहे तो आपके रिकॉर्ड्स लीगली वैलिड नहीं होंगे। बात समझ आए? एक तो ये हो गया, इट एक्ट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरा, बिसाइड्स द लॉ सच एज कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, GST एक्ट, इट रिक्वायर्स सबमिशंस ऑफ returns। जैसे बताया था ना कि इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, GST एक्ट कहती है कि GST की रिटर्न भरना भी जरूरी है, कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनीज एक्ट की रिटर्न भरना जरूरी है। तो आपको हर एक लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है, तो लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सर ये रिटर्न क्या होता है? रिटर्न मतलब हम कुछ वापस कर रहे हैं? नहीं, फॉर्म को बोला जाता है। इनकम, ध्यान से देखो, ये पूछना चाहिए था आपको कि सर ये रिटर्न क्यों बोलते हैं इसको, ITR। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न।
तो इनकम टैक्स रिटर्न, तो क्या हम सर इनकम टैक्स वापस कर रहे हैं या हमें वापस मिल रहा है, या इनकम टैक्स रिटर्न क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ फॉर्म, इट इज जस्ट अ फॉर्म फॉर सबमिशन ऑफ इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड एंड taxes paid, taxes paid thereon. तो ITR income tax return एक form होता है जो आप fill करते हैं, जिसमें बताते हैं कि आपने पूरे साल में कितनी income generate करी, उसके ऊपर कितने taxes pay करें. कोई भी doubt? तो ऐसी GST return, तो return का मतलब वो नहीं होता कि आप पैसा वापस आ रहा है या कुछ, नहीं, वो एक form को बस बोला जाता है. Clear? Communicating the financial statements to the various users, one of the accounting functions of accounting. कुछ भी बता नहीं, हम users already detail में कर चुके हैं. तो one of the functions of accounting is to communicate the results, the financial information with the various users. The users may be internal or external, and we have already covered it in detail. Assistance to management, जहाँ जहाँ management, वहाँ वहाँ decision making, budgeting, forecasting, nothing new. Already covered in objectives of accounting. तो इसमें नया पॉइंट क्या आया? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कोई डाउट? इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है जो आपको एनुअली फिल करना पड़ता है. पहले मैनुअली होता था, अब ऑनलाइन होता है. ई रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है जिसमें हम फिल करते हैं कि पूरे साल में हमने कितना पैसा कमाया, उसके ऊपर कितना टैक्स बनता था, हमने पे करा कि नहीं पे करा. इसमें सारी आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है. क्लियर? कोई भी डाउट? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग.